जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जो कि आपने तो सुना ही होगा। दोस्तों, केदारनाथ जाने का अगर आप भी योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ जाने का क्या क्या साधन है, कुल खर्चा कितना आएगा, खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ, और हम कहाँ कहाँ घूमें, और साथ ही साथ अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो हेलीकॉप्टर भी वहाँ चलती है, तो उस हेलीकॉप्टर का क्या फेयर होगा और इसकी टाइमिंग क्या होगी और वो कहाँ से मिलेगी। तो आज के वीडियो में बने रहिएगा, मैं पूरी तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि केदारनाथ जाने के लिए आपको एक परफेक्ट प्लानिंग कैसे करनी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको केदारनाथ जी की यात्रा का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम केदारनाथ कैसे पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने के लिए दोस्तों अगर मैं पहले बात करूं ट्रेन की, तो दोस्तों ट्रेन में आपके पास तीन विकल्प हैं। पहला हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन और तीसरा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। दोस्तों ऋषिकेश रेलवे स्टेशन अगर आप आते हैं तो आपको बस का सफर 30 किलोमीटर थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप देहरादून और हरिद्वार आते हैं तो लगभग आपको वो सेम डिस्टेंस पड़ेगा। दोस्तों अगर आप बस का सफर थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऋषिकेश आ जाइएगा, अदरवाइज अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप हरिद्वार तक आ सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार तक हमारी सारी प्रमुख ट्रेनें आती हैं, ऋषिकेश तक सारी ट्रेनें नहीं जाती हैं, कुछ ही ट्रेन वहां जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने शहर से जो भी आपके ट्रेन अवेलेबल होंगी आप जरूर वहां तक देख लीजिएगा, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो आपका ऋषिकेश हो, चाहे आपका वो देहरादून है। तो दोस्तों केदारनाथ पहुंचने के लिए ट्रेन का सफर सिर्फ इतना ही संभव है, बाकी का सफर आपका बस से करना होगा। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा। दोस्तों सोनप्रयाग जाने के लिए तीनों रेलवे स्टेशन से आपको बस अवेलेबल होगा, यानी कि देहरादून से भी आपको बसेस मिलेंगी सोनप्रयाग के लिए, हरिद्वार से भी सोनप्रयाग के लिए मिलेंगी, और साथ ही साथ आपके ऋषिकेश अगर आप आते हैं तो वहां से भी आपको आराम से सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। दोस्तों केदारनाथ पहुंचने के लिए अगर आपका माध्यम फ्लाइट से है, तो दोस्तों अगर मैं फ्लाइट की बात करूं तो देहरादून एयरपोर्ट आप फ्लाइट से आ सकते हैं, आपके जिस भी राज्य से या फिर जिस भी शहर से आपकी फ्लाइट देहरादून के लिए अवेलेबल है तो आप देहरादून तक आ सकते हैं, अन्यथा आप दिल्ली आकर आप दिल्ली से भी देहरादून के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। दोस्तों फ्लाइट का भी सफर सिर्फ देहरादून एयरपोर्ट तक ही हो पाएगा, क्योंकि उसके आगे का सफर मैंने जैसा कि आपको बताया कि बस से ही आपको करनी होगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे टोटल डिस्टेंस की, तो हरिद्वार से सोनप्रयाग आपको 230 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर मैं देहरादून से सोनप्रयाग की बात करूं तो वो आपको लगभग 250 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर ऋषिकेश से सोनप्रयाग की अगर बात करूं तो 210 किलोमीटर पड़ेगा। दोस्तों सबसे कम डिस्टेंस जो है वो ऋषिकेश से सोनप्रयाग है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको बस का सफर दुर्गम लगता है तो आप ऋषिकेश आकर अपना सफर 210 किलोमीटर के साथ कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम सोनप्रयाग पहुंचने के लिए जो हम बस लेंगे उस बस की टाइमिंग क्या होगी। तो दोस्तों अगर आप हरिद्वार, चाहे देहरादून, चाहे आप ऋषिकेश जाएं, तीनों ही जगह पे आपको बस आसानी से अवेलेबल हो जाती है सोनप्रयाग के लिए, और वहां का जो समय है वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक आराम से आपको बस अवेलेबल वहां हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं यहां पे कि बस की जो टिकट है वो टिकट मैं कैसे लूंगा, वो ऑनलाइन लूं या ऑफलाइन लूं, और अगर ये टिकट मुझे लेनी है तो मैं कहां पे लूंगा। दोस्तों आप बस की बुकिंग पहले ही करवा लीजिए। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे वहां पे ट्रैवल एजेंसी है, तो वहां जाके आप अपने बस की टिकट ले सकते हैं। दोस्तों आप हरिद्वार में जिस भी समय पहुंचे, चाहे वो सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम देख लीजिए कि आपको सोनप्रयाग के लिए कितने बजे की बस आपको पकड़नी पड़ेगी। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, तो वहां से भी आप टिकट ले सकते हैं ऑफलाइन, अन्यथा आप हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर वहां पे बस स्टैंड है तो आप बस स्टैंड में भी जाके काउंटर से आप बस की टिकट ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको ऋषिकेश और देहरादून में भी आराम से ऑफलाइन टिकट वहां पे मिल जाएगा। आप रेलवे स्टेशन के बाहर आइए, बहुत सारे वहां पे ट्रैवल एजेंसीज हैं, आप वहां से जाके अपनी बस की टिकट ले सकते हैं। दोस्तों यहां पे एक समस्या हो सकती है, कुछ लोगों को बस में पीछे की सीट या फिर अगर थोड़ा बीच की सीट मिल जाती है तो भी वोमिटिंग जैसे समस्या या फिर सर दर्द जैसे समस्या हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको कंफर्टेबल लगता है सामने की सीट के लिए तो वो आपको ऑफलाइन टिकट में मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो दूसरा विकल्प आपके पास है कि आप ऑनलाइन टिकट आप पहले से बुक कर लीजिए, तो ऑनलाइन विजिट करके भी आप आराम से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, जो भी आपको सीट चाहिए सामने की सीट आप ले सकते हैं, जिससे आपका यात्रा थोड़ा सा सुखद हो सकता है। हाँ ये बात जरूर है कि इसमें थोड़ा सा आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी मनपसंद सीट जरूर मिल जाएगी और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो। दोस्तों अगर अब मैं बात करूं सोनप्रयाग तक का किराया हमको कितना लगेगा बस का, तो दोस्तों अगर आप स्टेशन के बाहर अगर ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो ये आपका प्रति पर्सन 350 रुपए के आसपास पड़ेगा, अगर यही टिकट अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो ये आपको 500 की टिकट ये पड़ जाती है। दोस्तों ये जो भी फेयर बता रहा हूँ ये मैं सीटिंग बस की बता रहा हूँ,
सोनप्रयाग तक के लिए कुछ बसें हमारी पुशबैक सीट भी चलती हैं, जिसको हम सेमी स्लीपर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पुशबैक सीट की अगर मैं बात करूं तो उसका किराया लगभग 500 रुपए एक टिकट का होता है, अगर आप ऑफलाइन कराते हैं तो। अगर आप यही टिकट अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो ये टिकट आपका लगभग 700 से 750 तक का ये किराया बढ़ जाता है, अगर आप पुशबैक सीट में आना चाहते हैं तो। दोस्तों, हरिद्वार से चाहे ऋषिकेश से चाहे देहरादून से किसी भी तरीके की कोई स्लीपर बस नहीं चलती है, क्योंकि हमारा केदारनाथ पहुंचने का जो मार्ग है वो पूरा घाट सेक्शन से बना हुआ है। तो घाट सेक्शन में स्लीपर बस नहीं चलती है, क्योंकि वहां पे उसका संतुलन बिगड़ सकता है। तो जो भी वहां पे बसेस चलती हैं, तो या तो वो पुशबैक बसेस चलती हैं या फिर वो केवल सिटिंग बसेस चलती हैं। दोस्तों, केदारनाथ का जो ट्रस्ट है उसकी भी एक वेबसाइट है, जिसको कहा जाता है गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसको हम शॉर्ट में GMVN भी कहते हैं। दोस्तों, अब GMVN की वेबसाइट पे भी जाकर आप अपनी बस की ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्स होते हैं उस एप के द्वारा भी आप अपने टिकट बुक करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग सोनप्रयाग के लिए रवानगी लेते हैं। ये सफर आपको लगभग 8 से 9 घंटा लग जाएगा अगर आप हरिद्वार और देहरादून से आते हैं तो। दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं, अगर आप पर्सनल कार है आपके पास, अगर आप कार से आना चाहते हैं तो दोस्तों आप सोनप्रयाग तक अपने कार के माध्यम से आ सकते हैं। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि सोनप्रयाग के बाद किसी भी तरीके कोई प्राइवेट कार या फिर कोई बस सोनप्रयाग के आगे नहीं जाती है। दोस्तों, सोनप्रयाग तक ही आपका सफर रहेगा, आप अपनी कार को सोनप्रयाग में पार्किंग कर दीजिए। दोस्तों, अगर पार्किंग की बात करूं, पार्किंग बहुत बड़ा है और सोनप्रयाग में आपका पार्किंग का जो किराया है वो 24 घंटे का 50 रुपए आपका कार का किराया लग जाता है। तो आप पार्किंग चार्ज देकर सोनप्रयाग से अपनी यात्रा आगे प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग आप पहुंचते हैं, अगर आपको सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, या फिर ये कहूं कि अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करना चाहते हैं, आप रुकना चाहते हैं, क्योंकि 8 घंटे का बस का सफर काफी ज्यादा दुर्लभ होता है, तो उस केस में अगर आप सोनप्रयाग में स्टे लेना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग में बिल्कुल स्टे ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पे अगर सोनप्रयाग में रुकने की अगर मैं बात करूं, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बेस्ट सीजन कौन सा होगा केदारनाथ जाने का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, केदारनाथ हमारा केवल और केवल 6 से 7 महीने के लिए ही कपाट खोला जाता है, जो कि अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ जी का कपाट खुलता है और अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन केदारनाथ जी का कपाट बंद हो जाता है। तो अप्रैल में से लेकर अक्टूबर नवंबर तक के बीच का जो समय है, इस समय में जो आपका बेस्ट सीजन है वो है सितंबर से अक्टूबर का। दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे ठंड होती है, बट ये समय पीक सीजन नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि इस सीजन में आपके बजट भी थोड़े कम आएंगे और भीड़ भी थोड़ी सी कम होगी। दोस्तों, मई और जून की अगर मैं बात करूं, काफी ज्यादा वहां पे भीड़ होती है, क्योंकि ये गर्मी छुट्टी का सीजन होता है, तो काफी लोग वहां जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप जुलाई अगस्त में जाते हैं तो केदारनाथ में कभी भी वर्षा हो जाती है, जिससे आपकी यात्रा में उतना आनंद नहीं आ पाएगा। इसलिए आप जुलाई अगस्त का सीजन मत करिए, करना है तो आप आराम से अपना अक्टूबर नवंबर कर सकते हैं, क्योंकि वो सीजन में आपका बजट भी कम हो जाते हैं, क्योंकि होटल के चार्ज, खाने पीने के चार्ज डबल से ट्रिपल रेट वहां के लोग चार्ज करते हैं अगर आप मई सीजन में जाते हैं। इसलिए बेस्ट सीजन है आपका अक्टूबर, और आप नवंबर में जाइए, आराम से आप दर्शन कर लेंगे और साथ ही साथ आपको कम बजट में केदारनाथ का दर्शन हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सोनप्रयाग में अगर आप रुकना चाहते हैं तो वहां के होटल का किराया आपको 800 से 1000 तक मिलेगा। आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करा सकते हैं अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं। अगर आप वही मई जून में जाएंगे तो इसका किराया लगभग 3000 से 4000 रुपए होटल वालों का किराया हो जाता है 24 घंटे का। दोस्तों, अगर आपको ये 1000 रुपए भी काफी ज्यादा लग रहा है, अगर आप रूम नहीं लेना चाहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है डॉर्मेंट्री। दोस्तों, सोनप्रयाग में बहुत सारे डॉर्मेंट्री हैं, आपको वो 350 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से वो आपको चार्ज करेंगे। दोस्तों, अगर ये बजट भी आपको अगर ज्यादा लग रहा है तो मैं तीसरा विकल्प आपको बताता हूँ, सोनप्रयाग में आपको हॉल भी मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा हॉल रहा है जिसमें आपको गद्दे, तकिए और आपको रजाई दे दी जाएगी और 100 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आपको लिया जाएगा। दोस्तों, रही बात सामान रखने की, तो वहां पे आपको क्लॉक रूम भी दे दिया जाएगा, जिसमें आप अपना सामान रख के आप उसको लॉक करके चाबी अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सोनप्रयाग से दोस्तों आपको बढ़ना पड़ेगा गौरीकुंड के लिए। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको कैसे पहुंचना है तो वो आपके पास 2 विकल्प है। सोनप्रयाग से अगर आप खच्चर से जाना चाहते हैं पूरा केदारनाथ जी के मंदिर तक, तो आप सोनप्रयाग से ही खच्चर ले सकते हैं। घोड़े खच्चर का किराया आपका ये 2500 रुपए पड़ता है एक व्यक्ति का, एक बार जाने का। और दूसरा विकल्प आपके पास है दोस्तों कि वहां पे प्राइवेट टैक्सी। दोस्तों, सोनप्रयाग के आगे मैंने आपको बताया आपकी पर्सनल कार या फिर किसी भी तरीके की बस नहीं चलती है, तो वहां आपको सुमो, बुलेरो, इस तरीके की आपको गाड़ी देखने को मिलेगी, जो कि वो 30 रुपए पर व्यक्ति लेते हैं और वो 5 किलोमीटर का दूरी आपको आधे से 1 घंटे में आपको वो गौरीकुंड पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, आप गौरीकुंड इस जीप के माध्यम से पहुंच सकते हैं, और अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते यानी पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो आप सोनप्रयाग से ही घोड़े खच्चर लेकर आप केदारनाथ यात्रा की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों, हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। वहां पे गौरीकुंड में ही एक श्री गौरी माता मंदिर है, तो वहां पे गौरी माई का भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहां पे एक छोटा सा मंदिर है, तो वहां पे आप गौरी माता का भी दर्शन कर सकते हैं। सोनप्रयाग में गौरीकुंड के लिए काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि वहां पे काफी दर्शनार्थी होते हैं जिसकी एक लंबी लाइन होती है। अगर आप मई जून के सीजन में जा रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा आपको बुलेरो के लिए या फिर सुमो के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, लेकिन वही अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको हार्डली आधे घंटे के अंदर अंदर आपको आराम से सुमो मिल जाएगी, जिससे आप अपना गौरीकुंड का सफर तय कर सकते हैं। और दोस्तों,
यही रिकमेंड करूंगा कि आप सोनप्रयाग से अर्ली मॉर्निंग निकले, यानी कि 3-4 बजे ही आप वहां से प्रस्थान करिए गौरीकुंड के लिए, क्योंकि गौरीकुंड से जो केदारनाथ की जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर की है, जिसमें आपको पैदल चल के जाना है। तो वो अगर आप गौरीकुंड सुबह पहुंचेंगे तब आप शाम तक आराम से केदारनाथ पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए सुबह ही निकलिए। दोस्तों, गौरीकुंड पहुंचकर अगर आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, लंच की भी वहां पे व्यवस्था होती है। तो अगर दोपहर में अगर पहुंचते हैं तो दोपहर में आपको खाने पीने की वहां पे व्यवस्था मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको वहां पे लंच भी मिल जाएगा। दोस्तों, गौरीकुंड अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आते हैं, यानी कि बुलेरो सुमो से आते हैं, तो वहां से भी आपको गौरीकुंड से भी खच्चर मिलते हैं, लेकिन यहां पे किराया आपका 2300 रुपए पड़ता है। सोनप्रयाग से हमारा वो किराया 2500 रुपए था घोड़े खच्चर का, और गौरीकुंड से हमारा जो किराया था वो 2300 रुपए हो जाता है। दोस्तों, गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी कर सकते हैं। पिट्ठू का किराया आपका लगभग 5,000-6,000 रुपए उन लोग लेते हैं, केवल एक बार का केदारनाथ पहुंचाने तक का। तो आप पिट्ठू भी वहां से कर सकते हैं अगर आप पिट्ठू करना चाहते हैं। दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं अपनी पैदल यात्रा, यानी कि 16 किलोमीटर की यह यात्रा हम गौरीकुंड से केदारनाथ तक का यात्रा हम पैदल यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपको वहां पे लाठी का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, गौरीकुंड में ही वहां पे बहुत सारे शॉप्स लगे हुए हैं, तो वो लाठी देते हैं। लाठी का जो रेट है वो 30 रुपए है, तो आप एक लाठी खरीद लीजिए, जिससे आपको मदद हो जाएगी आपके यात्रा में, क्योंकि लाठी की मदद से जो आप चढ़ाई करेंगे तो थोड़ी सी आपको सहूलियत हो जाएगी। तो आप एक लाठी जरूर ले लीजिएगा, जिसका किराया 30 रुपए आपका वो लेगा। वो गौरीकुंड में ही आराम से बहुत सारे वहां पे शॉप्स हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, या फिर आपको चलने में थोड़ी सी परेशानी है, या फिर आपके फैमिली में किसी को परेशानी है, तो अगर आप हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो दोस्तों, यहां पे मैं थोड़ी सी आप हेलीकॉप्टर की बात कर लेता हूं। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले आपको एक जगह पड़ेगी जिसको कहा जाता है फाटा। दोस्तों, आप फाटा उतरिए और फाटा में ही आपका काउंटर बना हुआ है, तो वहां से आप टिकट बुक कर लीजिए। दोस्तों, टिकट की अगर मैं फेयर की बात करूं तो आपका 6,000 रुपए राउंड ट्रिप का होता है, यानी कि अगर आप फाटा से केदारनाथ जाना चाहते हैं, वहां दर्शन करके वापस लौटना भी चाहते हैं, तो उसका एक व्यक्ति का जो किराया है वो आपका 6,000 रुपए पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको हेलीकॉप्टर का टिकट ना मिले ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो वेबसाइट है वो आपके स्क्रीन के सामने ये है, और इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम यहाँ पे पैदल यात्रा की। दोस्तों, पैदल यात्रा करते हुए आपको काफी ज्यादा सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य दिखेगा, और साथ ही साथ वहाँ पे बर्फ की ग्लेशियर्स, वहाँ पे पर्वतों पे बर्फ की चादर, और साथ ही साथ वहाँ का नजारा काफी सुंदर होता है। मंदाकिनी नदी के ऊपर पुल बने हुए हैं, तो पुल का भी बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं। वहाँ की जो व्यूज हैं, वहाँ की जो ब्यूटी है वो काफी अच्छी है। अगर आप फोटोशूट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बकायदा इस 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा का आप भरपूर आनंद आप उठा सकते हैं। दोस्तों, इस पैदल यात्रा के दरमियान आपको पर्वतों पर कुछ पुराने मार्ग दिखेंगे। पुराने मार्ग कहने का मतलब दोस्तों कि 2013 की जो आपदा आई थी, जो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी और जो आपदा आई थी, वो काफी रूह कांप देने वाली आपदा थी, जैसा आप सबको मालूम होगा। तो वो उसमें काफी ज्यादा वहां के जो रास्ते थे और पर्वते थे वो सब बह चुके थे इस आपदा के कारण। तो वहां पे पुराने मार्ग दिखते हैं, लेकिन अभी आप जो मार्ग से जाएंगे वो आपके नए मार्ग रहेंगे, लेकिन आपको उस पुराने मार्ग का भी कहीं कहीं आपको पहाड़ पे वो दृश्य दिखेगा। दोस्तों, अगर आप रास्ते में चलते हैं तो वहां पे तंबू लगा के बहुत सारे आपको चाय नाश्ते के स्टॉल मिल जाएंगे। तो अगर आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप करते हुए चल सकते हैं। साथ ही साथ आपको जगह जगह पे वॉशरूम मिलेगी, जगह जगह वहां पे फर्स्ट एड सेंटर भी है। तो अगर आपको किसी प्रकार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर जैसा भी अगर आपको कोई परेशानी महसूस होती है, तो आप वहां कुछ दूरी पे आप वो बनी हुई है, तो आप वहां जाके भी अपना चेकअप करवा सकते हैं। दोस्तों, ये पैदल यात्रा आपके स्टैमिना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे में तय करते हैं, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं और आप कम जगहों में विश्राम करते हैं, तो आप आराम से 7-8 घंटे में आप वो 16 किलोमीटर का सफर आप जरूर तय कर लेंगे। दोस्तों, केदारनाथ से ठीक 1 किलोमीटर पहले आपका पड़ेगा एक बेस कैंप। तो दोस्तों, वो बेस कैंप में ही आपके ठहरने की व्यवस्था और आपके खाने पीने की व्यवस्था होती है। दोस्तों, हो सकता है आपको शाम हो जाए, 5-6 बज जाए। अगर आप मॉर्निंग में निकलते हैं या तो 4-5 भी बच सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है 7-8 भी आपको बच सकते हैं बेस कैंप पे। दोस्तों, बेस कैंप से केदारनाथ की दूरी 1 किलोमीटर की है, और बेस कैंप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां आपको रुकने की व्यवस्था और वहां पे आपको खाने पीने की व्यवस्था होती है। दोस्तों, यहां पे मेन चीज आती है कि हमको वहां पे रुकने की किस तरीके से वहां पे बुकिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बेस कैंप में ही हमारा GMVN का, यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का वहां पे गेस्ट हाउस है। तो उस गेस्ट हाउस में भी आप रुककर रात गुजार सकते हैं। दोस्तों, यहां पे रुकने के 3 पैमाने हैं, यानी कि यहां पे 3 प्रकार से आप यहां पे रुक सकते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वहां पे बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे होते हैं। उस टेंट में टोटल 10 बिस्तर होते हैं, और 300 रुपए पर व्यक्ति पर डे आपका वो चार्ज होता है। तो अगर आपको टेंट अवेलेबल हो जाता है, तो आप टेंट में 300 रुपए देकर आराम से वहां आप रात गुजार सकते हैं। 10 लोगों का वो टेंट होता है, 300 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज किया जाता है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है हट का। दोस्तों, हट में हमारा एक कंबाइंड बेड लगी होती है। उस कंबाइंड बेड में 3 बेड का खंड होता है और 2 बेड का भी खंड होता है। तो वहां पे भी 10 बेड के अरेंजमेंट होते हैं एक हट में। वहां आप हट में जा सकते हैं, और उसका जो किराया होता है वो 750 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता है। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वहां पे है हट हाउस, यानी कि एक आपको रूम की तरह देगा जिसमें आपको 6 बेड रहेंगे। अगर आप फैमिली सहित लेना चाहते हैं तो वो 6 बेड भी आप ले सकते हैं, जिसका किराया 990 रुपए यानी कि 1000 रुपए
रहिए वो आपका पड़ जाएगा, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वो आपका चार्ज लेंगे। दोस्तों बेस कैंप में थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होती है। खाने पीने की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों खाने पीने का आपको वहां पे जो चार्ज है लंच और डिनर का जो कॉस्ट है वो आपको 200 रुपए थाली सिस्टम में लगता है, और वही अगर आप अगर सुबह का नाश्ता करते हैं तो सुबह का नाश्ता आपको 100 रुपए वहां पे ब्रेकफास्ट मिलेगा। खाना स्वादिष्ट होता है। दोस्तों होटल की अगर मैं नाम की बात करूं तो वहीं बेस कैंप से लगा हुआ कुछ दूरी पर है वहां पे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट हमारा GMVN का ही है, यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का ही है। दोस्तों अगर आप मई जून के सीजन में जा रहे हैं, अगर आप केदारनाथ मई जून के सीजन में जा रहे हैं तो वहां पे आपको रूम मिलने की काफी ज्यादा समस्या हो सकती है, तो इसीलिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। GMVN की वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं, चाहे अगर वो टेंट में रुके, चाहे वो कंबाइन हट में रुके, चाहे वो हट हाउस में रुके। दोस्तों अगर आप 5-6 बजे भी बेस कैंप पहुंच चुके हैं तो आप फ्रेश हो जाइए, अपना सामान रख दीजिए और केदारनाथ स्वामी का आप दर्शन करने के लिए निकल जाइए, क्योंकि मंदिर का जो समय है वो 9 बजे क्लोजिंग टाइम है। दोस्तों आप मंदिर जाइए, मंदिर में लाइन लगी। अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं, मई जून के महीने में आ रहे हैं, तो आपको लाइन काफी ज्यादा लंबी मिलेगी, लगभग आपको वो 3-4 घंटे का भी लाइन लग सकता है दर्शन के लिए। और अगर आप वही ऑफ सीजन में आ रहे हैं, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास आ रहे हैं, तो वो आपका 1-1.5 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लाइन में लग के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। हमारे केदारनाथ स्वामी ये रहे, यहाँ पे आप दर्शन करिए इनका, अपनी मन्नतें मांगिए और आगे बढ़ते चलिए। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं अगर आप प्रसाद की, तो यहाँ पे दोस्तों प्रसाद पैकेट भी मिलता है, तो वहां पे प्रसाद के 3 प्रकार से रेट होते हैं, जिसका 100 रुपए, 200 रुपए और 300 रुपए, ये अलग अलग रेट के अलग अलग पैकेट होते हैं। तो जो भी आप पैकेट लेना चाहते हैं, जिस भी कॉस्ट का लेना चाहते हैं, आप वहां पे 100, 200 या 300 का आप पैकेट वहां से ले सकते हैं। दोस्तों मंदिर के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ी सी शिला आपको देखने को मिलेगी। ये शिला दोस्तों 2013 की जो आपदा आई थी, जो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, तो वहां से पर्वत से एक बहुत बड़ा यहाँ पे शिला, यहाँ पे पर्वत का टुकड़ा यहाँ पे आके मंदिर के पीछे आके रुक गया था। दोस्तों कहा जाता है कि इस पत्थर के आने की वजह से जो पानी का जो यहाँ पे बहाव था वो 2 हिस्सों में बढ़ गया था, जिससे मंदिर में किसी भी तरीके की कोई क्षति नहीं हुई है। तो दोस्तों भगवान की सब महिमा होती है कि पत्थर को बीच में आना और यहाँ पे पानी का 2 मार्ग में बढ़ जाना, तो यहाँ पे मंदिर को किसी भी तरीके कोई क्षति नहीं हुई थी। हालांकि 10 फीट तक का पानी अंदर गया था, जो कि वो भी 1 घंटे में बाहर हो गया था। तो वो शिला का भी आप नजारा देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, अगर आप शाम 5 बजे के बाद अगर आप जाते हैं, तो वो आपको दूर से दर्शन करवाएंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, ज्योतिर्लिंग के अगर आप नजदीक से दर्शन करना चाहते हैं तो वो आपको शाम 5 बजे के बाद नहीं दिया जाता है, आपको दूर से ही दर्शन दिया जाएगा। और अगर आप नजदीक जाकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे वहां पे लगिए। दोस्तों अगर आरती के समय की बात करूं तो सुबह 6 बजे होती है एक आरती, और दूसरी आरती होती है हमारी शाम को 6 बजे। तो मॉर्निंग में मंदिर 5 बजे खुल जाता है, तो अगर आप बेस कैंप में रुके हुए हैं तो वापस से आप मंदिर परिसर आइए सुबह 5 बजे, और वहां पे आप नजदीक से भोलेनाथ का आप दर्शन कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग के नजदीक जाकर आप वहां पे अपना मत्था टेक सकते हैं और आप वहां पे अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आप मांग सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि हमको और कहां कहां वहां पे विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं भैरव मंदिर है वहां पे केदारनाथ से, वो आपको लगभग 0.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, वो आप पैदल ही और आगे आपको जाना पड़ेगा, वहां पे भैरव मंदिर है। तो भैरव मंदिर भी आप जाके वहां दर्शन कर सकते हैं। दूसरे स्थान की बात करूं दोस्तों तो वो है वासुकी ताल। वासुकी ताल का दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर की पड़ती है, वहां का जो ब्यूटी है वो भी बहुत अच्छा है, वहां भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि ये जो 6-7 किलोमीटर का जो दूरी है वो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें भी ट्रैकिंग करके जानी पड़ती है, चढ़ के जाना पड़ता है। तो अगर आप वासुकी ताल जाना चाहते हैं तो आपको एक दिन और स्टे करना पड़ेगा, बेस कैंप में आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा, तभी आपका वासुकी ताल कवर हो पाएगा। दोस्तों तीसरे स्थान की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका गांधी सरोवर। ये आपका 3 किलोमीटर पड़ता है मंदिर से, तो आप वहां पे गांधी सरोवर भी जा सकते हैं। दोस्तों बेसिकली एक तालाब है जिसका दृश्य काफी अच्छा है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कि ये पूरी यात्रा को करने में हमको टोटल कितने दिन लगेंगे। दोस्तों ये आप मान के चलिए आपको 4 दिन का स्टे जरूर लेना पड़ेगा केदारनाथ, अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो 4 दिन का आप स्टे कम से कम लीजिए। कहने का मतलब ये है कि 2 दिन जाने के लिए और 2 दिन वापस आने के लिए, क्योंकि अगर आप केदारनाथ मंदिर से वापस गौरीकुंड के लिए आएंगे तो वो भी आप पैदल यात्रा करेंगे, 16 किलोमीटर का पुनः आपको यात्रा करना पड़ेगा। हालांकि इसमें आपको समय कम लगेगा, लगभग ये आपको 5 घंटे में आप आ जाएंगे, क्योंकि ये उतार था, जाते टाइम हमको पूरा चढ़ाई था इसलिए हमको समय ज्यादा लगा, लेकिन आते टाइम हमको ये ढाल पड़ेगा इस कारण हमारा समय कम लगेगा। तो कम से कम आप 4 दिन का एक जरूर बैकअप लेके चलिए और आराम से आप अपने यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। अब जहां से भी आ रहे दोस्तों वहां पे आपको जो ट्रेन की जो वहां पे ड्यूरेशन लगेगी उस ड्यूरेशन को वो ऐड नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं केवल हरिद्वार से लेकर केदारनाथ यात्रा और वहां से वापस आने के हरिद्वार तक की यहां पे जो दिन बता रहा हूं वो आपके टोटल 4 दिन आपके यहां लगभग आपके लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग करिएगा 2 दिन जाने के और 2 दिन वापस आने के। दोस्तों लास्ट में बात कर लेता हूं यहां पे कुल खर्चे की कितनी आएगी। दोस्तों यहां पे खर्चे को मैंने 3 भाग में कैटेगराइज किया है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं, यानी कि गौरीकुंड से अगर आप पैदल यात्रा केदारनाथ तक करते हैं और वापस केदारनाथ से आप गौरीकुंड आते हैं, तो वो आपका एक व्यक्ति का किराया लगभग 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति लग जाएगा। दोस्तों ये जो आंकड़ा बता रहा हूं ये मैं ऑफ सीजन के लिए बता रहा हूं, अगर यही अगर आप ऑन सीजन में आते हैं तो आपका दर ये 5,000 भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं और यदि आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपका 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा।
दोस्तों दूसरे ऑप्शन की मैं बात करता हूं, अगर आप घोड़ा खच्चर लेते हैं तो दोस्तों घोड़े खच्चर का अगर आप लेते हैं और अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपका ये बजट लगभग 7,000 रुपए हो जाएगा। और लास्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों हेलीकॉप्टर से अगर आप आते हैं तो हेलीकॉप्टर का किराया आपका 10,000 रुपए तक एक व्यक्ति का जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे केदारनाथ यात्रा का पूरा कंप्लीट विवरण। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यात्रा बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, आपकी यात्रा मंगलमय हो।